आप देख रहे हैं द मॉर्निंग न्यूज आर और आपके साथ मैं हूं स्वाति जोशी। आगे बढ़े उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मेरठ में एक कपल को तंग करने के बाद बजरंग दल के गुंडों का नया तमाशा, इस बार आगरा में दिखाए हथियार, हवाई फायर कर पर्यटकों को डराया, योगी राज में क्या इनको है खुली छूट। न सिर्फ गुंडा राज बल्कि राज्य में फैला है जंगल राज। धार्मिक जुलूस के दौरान पुलिसकर्मी को कुशीनगर में पीटा गया, उत्तर प्रदेश में वर्दी की नहीं रही कोई इज्जत। यूपी सरकार ने राहुल गांधी की अमेठी यात्रा पर लगाई रोक, योगी सरकार ने विजिट के दौरान पर्याप्त सुरक्षा न होने का बहाना देकर रोकी राहुल की योजना। शराब के नशे में गाड़ी चला करीब 6 लोगों को जख्मी करने वाले पूर्व सांसद के पोते ने पुलिस को दिया चकमा, गिरफ्तारी से पहले ही बंगलुरु अस्पताल से भाग निकला वीवीआईपी पोता। हिट एंड रन के आरोपी और पूर्व सांसद के पोते को पकड़ने में बेंगलुरु पुलिस हुई क्लूलेस, अस्पताल में भर्ती होने के 72 घंटे बाद पुलिस के शिकंजे से निकला आरोपी, कहीं राज्य की मिलीभगत तो नहीं। आरएसएस चीफ द्वारा धारा 370 की आलोचना के बाद जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री ने भी उसी रुख को दोहराया, सिंह का दावा विशेष दर्जे से राज्य को हुआ नुकसान, क्या सहयोगी पीडीपी बीजेपी के वन इंडिया स्टैंड का देगी साथ। पहले लड़कियों पर लाठीचार्ज की खबर को नकारा, फिर दिए प्रवचन और उल्टा उन्हें ही किया ब्लेम, अब कैमरे पर बीएचयू वाइस चांसलर ने कबूला अपना झूठ, क्या गिरीश चंद्र त्रिपाठी के खिलाफ एक्शन लेगी सरकार। राजधानी में एक और विरोध प्रदर्शन के साथ अन्ना हजारे की वापसी, लोकपाल पर उदासीनता से निराश, हजारे रखेंगे एक दिन का अनशन, द लोकपाल फाइट इज बैक। कोलकाता में आस्था पर भारी पड़ा सामाजिक दर्जा, पूजा आयोजकों ने डोमेस्टिक हेल्प को मालिकों के साथ खाना खाने से रोका, भेदभाव भरे रवैये को ठहराया सही, क्या दीदी की राज में सिर्फ अमीरों के लिए है पूजा।